गुजरात में बाढ़ और बारिश ने हाहाकार मचा रखा है। सूरत जैसा शहर पिछले 5 दिन से पानी में डूबा हुआ है। वडोदरा में नदी में रहने वाले मगरमच्छ शहर में घूमते दिखाई दे रहे हैं। कच्छ में कंटेनर तैर रहा है। ऐसी तस्वीरें जिन पर यकीन कर पाना मुश्किल है। जूनागढ़ के जंगलों में शेरों की बजाय बांध और झरने दहाड़ रहे हैं। गुजरात में ऐसी भयावह तस्वीर शायद ही इससे पहले कभी सामने आई हो। गुजरात में हालात भयंकर। दिन रात बारिश मूसलाधार, लबालब भरे बांधों का हाहाकार, झरनों की डराने वाली दहाड़, नदियां खतरे के निशान के पार। बारिश भयंकर, मगर मच्छ शहर के अंदर। नदियों में उफान, जोखिम में जान। कब थमेगा कुदरत का ये कहर? कब तक डूबते रहेंगे गांव और शहर? सूरत, कच्छ और वडोदरा, गुजरात के ये 3 शहर मूसलाधार बारिश और बाढ़ से बेहाल हैं। सूरत में ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वेनिस की तरह तैरता हुआ शहर बन गया है। वहीं वडोदरा में सैलाब के साथ खतरनाक मगरमच्छ भी शहर में घुस आए हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं डायमंड सिटी सूरत का हाल, जो वेनिस की तरह तैर रही है। सूरत की सूरत सैलाब ने किस कदर बिगाड़ रखी है, ये ड्रोन कैमरे में कैद तस्वीरों में देखिए। यहां से वहां तक शहर में पानी ही पानी नजर आ रहा है। आसमान लगातार बरस रहा है। महज 6 घंटों में 7 इंच बारिश दर्ज की गई है। भारी बारिश के चलते जब सूरत डूबने लगा तो पुलिस थाने भी बच नहीं सके। यहां का कड़ोदरा पुलिस स्टेशन पानी में डूब गया। थाने में पानी भर गया और पानी पानी हो चुके थाने में तैनात पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी निभाने पर मजबूर हैं। यही जज्बा सूरत के लोगों ने 2 दिन पहले स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिखाया। सारोली इलाके की कपड़ा मार्केट में लोगों ने पानी में खड़े होकर भी तिरंगे को सलामी दी। भारी बारिश की वजह से सूरत और सौराष्ट्र दोनों ही जगह बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। तो वही मौसम विभाग की माने तो अगले 48 घंटों में अहमदाबाद समेत उत्तर गुजरात में भारी बारिश हो सकती है। वडोदरा में पानी के साथ साथ लोगों को पानी में तैरता खतरा डरा रहा है। पिछले 24 घंटे से बारिश थमी है, लेकिन विश्वामित्री नदी का जल स्तर बढ़ जाने की वजह से मगरमच्छों ने शहर का रुख कर लिया है। पानी में तैरते हुए ये मगरमच्छ रिहायशी इलाके तक पहुंच गए। इन्हें देख लोग दहशत में आ गए। वन विभाग और जानवरों से होने वाली क्रूरता रोकने वाले संगठन के लोगों को लगातार मगरमच्छों की जानकारी मिल रही है। जानकारी मिलते ही ये मौके पर पहुंच रहे हैं और मगरमच्छों को पकड़कर लोगों का डर दूर कर रहे हैं। दरअसल वडोदरा में विश्वामित्री नदी के किनारे करीब 27 किलोमीटर का दायरा ऐसा है जहां भारी संख्या में मगरमच्छ पाए जाते हैं। मॉनसून के दौरान जब भी नदी उफान पर आती है, मगरमच्छ शहरों तक चले आते हैं। लोगों के साथ साथ मगरमच्छों की सुरक्षा के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन चलाई जा रही है। कच्छ में भारी बारिश के चलते लोहे का कंटेनर भी तैरता नजर आया। पानी का बहाव तेज होने की वजह से कंटेनर तैरने लगा। वहीं मुंद्रा के इंडस्ट्रियल एरिया में कमर तक पानी भर गया, जिसके बाद लोग लकड़े का इस्तेमाल बोट की तरह करते दिखे। सूरत में संजय सिंह राठौड़ और वडोदरा में वशिष्ठ शुक्ला के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद आज तक। एक तरफ जहां गुजरात के शहर बेहाल हैं, तो दूसरी तरफ गांव का हाल और भी बुरा है। जूनागढ़ और ऊना में भारी बारिश के बाद बांधों के गेट खोलने पड़े। नतीजा ये हुआ कि यहां की नदियां उफान पर हैं। इन नदियों ने लोगों का रास्ता रोक रखा है, जिसे लोग अब पार करने का जोखिम भी उठा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश हुई है। सौराष्ट्र और कच्छ में बादल खूब बरसे हैं। नवसारी के कई इलाकों में पानी भर गया है। भारी बारिश के बाद 500 लोगों को सुरक्षित इलाके में भेजा गया है।
पूर्णा नदी के बढ़ते जलस्तर से प्रशासन ने लोगों को अलर्ट कर दिया था। इस बीच मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर दबाव का क्षेत्र बना है, ये इस वक्त चक्रवाती रूप ले चुका है। इसका एक बड़ा हिस्सा गुजरात के ऊपर भी है। मौसम विभाग की चेतावनी है कि दो दिन बाद गुजरात में भारी बारिश होगी। 19 अगस्त में एक नया लो पर बनेगा, ओके? तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि अगले पांचों के पांचों दिन गुजरात रीजन और सौराष्ट्र कच्छ में एट मोस्ट प्लेसेस में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होगा एंड हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल का वार्निंग अगले चार दिनों में ही है बोथ गुजरात रीजन और सौराष्ट्र कच्छ। डे वन में एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल का भी है, डे वन में एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल है एंड डे फाइव में हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको ओनली हेवी रेनफॉल का वार्निंग है। इस समय तक गुजरात के लगभग 80% हिस्से में बारिश हुई है। अगले 4 से 5 दिनों में इसका दायरा और बढ़ेगा। नवसारी में रौनक जानी के साथ आज तक ब्यूरो। फिलहाल एक ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।